भारत और मालदीव के बीच रिश्ते पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहे हैं। हाल ही में मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की, जिसके बाद से ही ये विवाद और बढ़ गया। हालांकि मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर हालात को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अब चीन दौरे से आने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के तेवर बदले से लग रहे हैं। चीन से आते ही मोइजू ने कहा कि हम भले ही छोटे हों, लेकिन आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। आपको यहां बता दें कि चीन समर्थक माने जाने वाले मोइजू ने 5 दिन के अपने चीन दौरे के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। उनका यह दौरा ऐसे समय पर हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया। इस मामले को लेकर भारत और मालदीव दोनों देशों में राजनयिक विवाद बढ़ा हुआ है। वही दूसरी तरफ भारत के लोगों द्वारा बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कराने से मालदीव के टूरिज्म उद्योग को भी बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। यही वजह है कि चीन दौरे के दौरान मोइजू ने कहा था कि चीन को अपने ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव भेजने चाहिए। चीन के 5 दिवसीय दौरे से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनसे एक सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, हम छोटे जरूर हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। मोइजू ने भले ही किसी भी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने ये बयान भारत को लेकर ही दिया है। मोइजू का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल पीएम मोदी हाल ही में लक्षद्वीप गए थे, जहां से उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की थी। तस्वीरों के साथ पीएम मोदी ने भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने की भी अपील की थी। पीएम मोदी की अपील वाले ट्वीट में देश के कई लोगों ने कमेंट किया कि हमें मालदीव जाने के बजाय लक्षद्वीप में छुट्टियां बितानी चाहिए। लेकिन इस बीच मालदीव के कुछ नेताओं ने इसे मालदीव पर